वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं अमित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं ऑडियंस फोरम। आज हम हैं बनारस के मदनपुरा इलाके में, जहां हम जानेंगे 2019 के लोकसभा चुनाव पर जनता की राय। आपका नाम? मोहम्मद फारूक। कहाँ के रहने वाले हैं? जी मदनपुरा, जगदीवंतपुरा के। क्या करते हैं? बिनकारी। बुनकर हैं आप? लूम, हाँ लूम। पावर लूम का काम है आप? लूम का। चलिए, इस 2019 के लोकसभा चुनाव में आप किसे चुनना चाहते हैं, किसकी सरकार चाहते हैं आप? अरे कोई अच्छी सरकार आए कि जो है आदमी को जो है सही तरीके से जो है कारोबार दे और सही तरीके से जो है काम करे, कहाँ समझे। और जीएसटी और वही नोटबंदी से जो है देश बहुत जो है कारोबारी लाइन बहुत ख़राब हो गई है, कहा समझे। और कोई खामियां जो आप बताना चाहें मोदी सरकार में? मोदी सरकार में मतलब ऐसा है कि ये खाली एक पक्ष की बात करते हैं, दूसरे पक्ष की बात नहीं करते हैं। आज जो है इतने दिन से जो है 5 साल के अंदर अंदर में कभी कब्रिस्तान के बारे में इन्होंने बयान दिया या एक बार में दिया कि जो है कब्रिस्तान जो है जो नाजायज़ कब्जा है उसको हटाया जाए। 5 साल के अंदर अंदर में, 5 साल के अंदर अंदर में इन्होंने एक बार भी जो है ना पेपर में दिया ना आज तक उनके ऊपर ध्यान दिया। कहाँ के कब्रिस्तान की बात करें? कहीं की भी, मतलब बनारस की है या कहीं की भी हो, जहाँ पर नाजायज़ कब्जा हुआ है वहाँ पर जो है कब्जा उनको हटाने की बात सोचना चाहिए। किस तरह का नाजायज़ कब्जे की बात कर रहे हैं? अभी जो नाजायज़ कब्जा लोग कर लेते हैं उस पर जो है ज़मीन पर जो है कब्जा करके ऊपर जम जाते हैं और क्या। तो आने वाली सरकार से आपकी क्या अपेक्षा है? अरे आने वाली सरकार जो अच्छी सरकार है वो आए, आके काम करे। आपके हित में क्या क्या काम आप चाहते हैं जी? आपके हित में आप कौन कौन से काम चाहते हैं जो आपके हित में हो? मतलब बुनकर का काम हो और ये जो है नोटबंदी और जीएसटी लगाएं, इसमें जो है कारोबारी एकदम हालत ख़राब हो गई है। कारोबार जितना व्यापारी लोग हैं उन लोग का कारोबार जो है चौपट बना है। जिसके क्या 10-15 नौकर हैं वो आज 1-2 नौकर बचे हैं, ये हालत है कारोबार की। आने वाली सरकार से आपकी क्या अपेक्षा है? आने वाली है कि जैसे कांग्रेस की सरकार में थी तो हमारी कारोबार थोड़ा बढ़िया चल रहा था, और ये बीजेपी की सरकार में स्पोर्ट जैसे काम बंद हो गया, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इसमें। और इसमें महंगाई भी बढ़ गई है जब से ये जीएसटी लगा हुआ है। मोदी सरकार में जितने ही वादे किए गए थे उनमें से कुछ भी पूरा होता आपको नज़र आता हो? कुछ नहीं, खाली बस जुमला था, कोई भी वादे उनके पूरे नहीं हुए। खाली वो विकास का मॉडल दिए थे, काशी का वो विकास हुआ नहीं। साफ सफाई गंदगी कुछ? साफ सफाई में थोड़ा बहुत अंतर हुआ है। सड़कों पे कुछ अगर काम हुआ हो तो? सड़कों पर तो उसी तरह है, सड़कों में कोई सुधार? लाइट लगा हुआ है एलईडी, कोई सुधार नहीं है सड़कों पे? कोई सुधार, सब कुछ बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, बिल्कुल उसी तरह है। धन्यवाद। आपका नाम? मोहम्मद इरफान। कहाँ के रहने वाले हैं? मदनपुरा। क्या काम है आपका? ये दुकान है, जनरल स्टोर है। इस 2019 के लोकसभा चुनाव में आप किसे चुनना चाहते हैं? भाई हम लोग कांग्रेसी पुराने हैं, कांग्रेस को ही चुनते हैं चाहे हारे या जीते। हमेशा से कांग्रेस के ही समर्थक रहे? कांग्रेस को ही। इस मोदी सरकार में आपको कुछ खामियां अगर नज़र आती हो? खामियां ही खामी है, उसमें कोई अच्छाई की बात नहीं है। कुछ गिनवा दीजिए खामियां जो आपको मिली हो, समझ में आई हो, नज़र आई तक जो है। रोज़गार में कोई हम लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ है सिवाय परेशानी के, सिवाय परेशानी के आज तक कोई फ़ायदा नहीं। कहीं जीएसटी का चक्कर, कहीं कोई चक्कर, कहीं कोई चक्कर, आदमी खाली आजीज बना हुआ है, धंधा सन्नाटा है। जो विकास की बात मोदी सरकार ने की थी क्या वो आपको कुछ? किसी को नहीं मिला, आम पब्लिक को कोई विकास नहीं मिला इनकी सरकार में, आप लोगों का कोई विकास नहीं हुआ। आने वाली सरकार से आपकी क्या अपेक्षा है? आने वाली सरकार इनसे बेहतर रहेगी, इनसे अच्छा काम करेगी। किसकी सरकार आ रही है? आने के अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि अभी इलेक्शन ही नहीं हुआ है। इलेक्शन हुआ नहीं है उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है, इलेक्शन के बाद ही निर्णय होगा कौन जीतेगा कौन हारेगा।
अभी हम मतलब ऐसा है घाट पे कोई रोकने के लिए या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो जाओ मत, ये मत करो, वो मत करो, तो ऐसा है कि मुसलमान हमेशा हर जगह उसको जाना आना रहा और जाते आते रहे, क्या समझा। ये जो है तो 102 साल हुआ, इसमें कोई 3 साल का है, कोई 4 साल का है, उनके धार्मिक लोग बराबर घाट पर जाते थे और रहते थे, 2 बजे रात में 3 बजे रात में उनको ज़रूरत पड़ती थी जाते थे आते थे, और ऐसा है कि हम लोग भी जाएंगे आएंगे, हम लोग को ये अधिकार मिलना चाहिए। मुसलमान को हर जगह पर जाने का हमेशा अधिकार था, आज अधिकार नहीं मिल रहा है, उसके लिए हम लोग अगर कोई गलत कदम उठाए तो ये आपको तकलीफ़ होगी, घाट पर जाके बैठ जाए तो पंडित लोग को तकलीफ़ होगी या किसी को तकलीफ़ होगी, तो उसके लिए आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये मतलब ऐसा है कि धार्मिक चीज़ के लिए कोई रुकावट ना होना चाहिए, अगर रुकावट हुई तो फिर आप उसको समझिए, हम लोग गलत कदम अगर उठाएंगे तो आप समझिए, इस वजह से कि हम अगर जगह घाट पर बैठ गए तो फिर नहीं उठेंगे, चाहे मोदी आए या मोदी कोई मोदी आए, कांग्रेस की पार्टी आए या कोई पार्टी आए, हम उठेंगे नहीं, इस वजह से कि हमको अधिकार मिलना चाहिए, वहाँ भी जाने का आने का रहने का हमको भी जगह मिलना चाहिए, इस वजह से घाट पर कोई जगह हमको मिल नहीं रही है जहाँ पर हम वहाँ रह सकें, क्या समझा, हमको भी अधिकार मिलना चाहिए, इस वजह से कि पुराने लोग वहाँ रहते थे, आए हजारों साल से वहाँ जाते थे आते थे रहते थे, घाट पर जाएंगे और रहेंगे और वहाँ पर अपना जो हम जो करते थे दान पुण्य वो भी करेंगे, उसके लिए कोई रुकावट आप जो है करिएगा तो उसके लिए आपको नुकसान पहुँचेगा, ये बात नहीं मत समझिए कि नुकसान पहुँच रहा है, नुकसान पहुँचेगा हर हाल से, और ये समझिए कि हम आपको वार्निंग दे रहे हैं कि घाट पर रुकावट मत कीजिए, घाट पर रुकावट कीजिएगा तो आप उसकी छानबीन कीजिए कि ये जो है मुसलमान धार्मिक कब जाता था कैसे जाता था, इसकी छानबीन कीजिए, हैं नहीं नहीं, ये तो आपका मौलिक अधिकार है, आप पूरे देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी रुक सकते हैं, आपको कोई उसके लिए नहीं रुक सकता। तो हम लोग 2 बजे रात में जाते हैं वहाँ अपना मतलब ऐसा है कुछ जो है दान पुण्य करने के लिए, कुछ अपना काम करने के लिए 2 बजे रात में जाते हैं, हम अभी भी जाते हैं, क्या समझा, तो पुलिस वाले पूछते हैं क्यों आए कैसे आए, क्या समझा, तो हमको करना है, हमको इसको अधिकार मिलना चाहिए कि हम जाएंगे वहाँ पर, आप जाएं तो आपको कोई रोके ना, आपसे कोई सवाल ना हो, कोई जवाब ना देना पड़े आपको कहीं, कोई सवाल ना करे, कोई हमको जवाब ना देना पड़े, इससे हम बराबर जाएंगे और वहाँ पर करेंगे, कोई मतलब ऐसा है कि हमको रोके ना, इस वजह से कि इसका अधिकार हमको मिलना चाहिए, और नहीं मिलेगा तो वहाँ पर हम बैठ जाएंगे तो फिर उठेंगे नहीं, ये समझ लीजिए किसी घाट पर। आपका नाम? राजा। कहाँ के रहने वाले? ये इसी जगह मदनपुरा के रहने वाले। काम क्या करते हैं आप? बनारसी करते हैं। बुनकर का काम है आपका। इस 2019 लोकसभा चुनाव में आप किसकी सरकार चाहते हैं? कांग्रेस। बीजेपी सरकार या अखिलेश यादव की सरकार क्यों नहीं? अखिलेश भी ठीक है पर भाजपा नहीं ठीक है, भाजपा तो काम के लिए एकदम उसका के रखे है, काम ही नहीं, काम पे ध्यान ही नहीं दे रहे। इस सरकार में आपको क्या क्या खामियाँ नज़र आती हैं? ये सरकार बस सफाई अभियान कराती है और कहाँ कुछ काम करवा रही है, काम पहले देखना चाहिए, लोगों के जिम्मेदारी समझना चाहिए। किस तरह के काम की आप बात कर रहे हैं? किस तरह के काम की आप बात कर रहे हैं, मतलब काम मतलब क्या चाह रहे हैं आप ये बताएं? सब काम के लिए हम चाहते हैं कि सब काम मतलब आगे बढ़े, आगे बढ़े। व्यवसाय की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, आप किस काम की बात कर रहे हैं? व्यवसाय की। आपका नाम? हाजी रुस्तम। कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस के। बनारस में कहाँ के? मदनपुरा के। इस 2019 लोकसभा चुनाव में आप किसे चुनना चाहते हैं? किस? मोदी। क्यों? इसलिए हमारे देश का प्रधानमंत्री अच्छा है। अच्छा है, क्या कारणों हैं उनके अच्छा होने के? कुछ आप? कारण ये कि सुबह शाम रोशनी है, बत्ती है, पानी है, सफाई तो है, हर किस्म के हालात अच्छी है, तो इस तरह हम सोचा गया कि उसी को हम लोग वोट दिया जाए फिर से, वो मेरे देश जब तक हम लोग आए वो प्रधानमंत्री रहे। मतलब आने वाले 5 साल भी आप मोदी को? आने वाले 100 साल तक रहे प्रधानमंत्री रहे, जियो जिने तो उसका नाम है। आप बताइए, लोगों का कहना है कि GST और नोटबंदी से व्यापार पे काफ़ी गिरावट आई है, ऐसा कुछ? कोई भी काम करेगा आदमी तो फर्क आएगा, लेकिन आप अगर सही तरह देखेंगे तो फर्क नहीं आएगा, करवा रहा उसका अंदाज सही है, उसको समझिए खाली फर्क है उसका है। उन्होंने कई वादे किए थे अपने 2014 के इलेक्शन के वक्त, तो आपको कुछ वादे पूरे होते हुए नज़र आते हैं उनके? सब वादे तो पूरे समझ में आ रहे हैं, सुबह जाओ तो रोशनी, शाम में और रोशनी, सफाई बात कारोबार ठीक तो चल रहा है, किसको की कौन बुराई करता है उसकी, मतलब देश का विकास हुआ है उनके में, देश का विकास अच्छा कर रहा है वो। लोगों का कहना है कि बेरोजगारी आ गई है उनके सरकार में, ऐसा कुछ नहीं? रोजगार बढ़ गया है, रोजगार बढ़, जो जो भूखे सोते रहे अब खा कर सोते हैं।
कांग्रेस के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप, कांग्रेस की सरकार के बारे में? देख, कोई भी कांग्रेस हो, कोई भी हो, लेकिन जो इस समय चल रहा है उसको चलाइए आप। मोदी सरकार से आप खुश हैं? बहुत खुश हैं, और आने वाली पीढ़ी भी खुश रहेगी। अब आप सवाल पूछते हैं, पता आपके बारे में क्या कहना है? और आपके बारे में? मुझे, मैं कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार ने काम अच्छा किया, मगर चूंकि यहाँ 80% चूँकि बेरोजगारी होगी, कमज़ोर तबके के लोगों ने इसमें ज़्यादा परेशान है। और बकिया विकास हो, सफाई व्यवस्था हो, और भी विकास जो हो रहा है कार, इसमें बहरहाल अभी तो दिक्कत आएगी, आने वाले कल में वो भी सही सही हो जाएगा, मगर सिर्फ एक ही चीज़ की कमी है कि जो बेरोजगारी में कमज़ोर तबके के लिए ज़्यादा मर गए। और उन्होंने 15 लाख का वादा किया था 2014 में, ठीक है, वो नहीं किया। राम मंदिर का कहे थे, वो नहीं किया, वो लॉलीपॉप उन्होंने दे दिया। ये सब बतियाना बेकार की बात है। विकास होना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए, नागरिक का विकास होना चाहिए। विकास का मतलब जब रोजगार होगा तो मेरा विकास होगा। तो विकास हुआ है या नहीं हुआ, ये विकास तो हो रहा है, हुआ भी है, परिवर्तन आया भी है, काशी के अंदर परिवर्तन आया भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर अभी ये 5 साल हुआ है, अब ये रिपीट जब आएंगे, ये भी कमी हम समझते हैं कि मोदी जी ने दूर करेंगे। मतलब आने वाले 5 साल भी आप उन्हें देना चाह रहे हैं? जी जी, चूँकि ये व्यक्ति ऐसा है, हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कि हर व्यक्ति से इन्होंने बोलते हैं, मिलते हैं, और हर इदारे में, हर ट्रस्ट में ये जाते हैं, और जितना इन्होंने दौरा किया है देश विदेशों का, कोई भी देश का प्रधानमंत्री आज तक नहीं किया। मेरी उम्र 50 हो चुकी है, मैंने 40 साल से ये चीज़ देख रहा हूँ। आपका नाम? हाँ, मुझे कमरुद्दीन समठी कहते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस का रहने वाला हूँ। बनारस में कहाँ के? बनारस पीलीकोठी का। कोठी का, क्या काम करते हैं? ये हमारी दुकान है पान की, मैं बनारस मदनपुरे में जो है तो पान का दुकानदार हूँ। 2019 के लोकसभा चुनाव में आप किसे वोट देना चाहते हैं, किसकी सरकार चाहते हैं आप? 2019 के लोकसभा चुनाव में मैं उसी की सरकार चाहता हूँ जो जिसमें देश का भला हो, जिस सरकार से देश का भला हो, 125 करोड़ लोगों का भला हो, कारोबारियों का भला हो, मजदूरों का भला हो, गरीबों का भला हो, मुफलिसों का भला हो, यानी उन तमाम लोगों का भला हो जिनके ऊपर सरकार निर्भर है। कौन सी सरकार में आपको ऐसा लगता है कि दो लोगों का भला हो सकता हो, या कौन सी सरकार का कार्य ऐसा लगे जो लोगों के हित में हो रहा हो? अगले 70 साल से देश, 1947 से देश आज़ाद हुआ, और तब से जो है तो 1914 तक जो है तो इस देश में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की सरकार रही है। बीच में नाना प्रकार की सरकारें आई हैं, लेकिन देश का उद्धार नहीं हुआ है, देश को किसी प्रकार का फायदा नहीं हुआ है। मोदी जी की सरकार अगले 1914 से आई है, 2014 से आई है, और देश की जनता जो है तो मोदी जी को जिस मकसद के लिए और जिस सोच पर लाई थी, अभी तक टीवी के माध्यम से जो अनुमान मिल रहा है वो इस प्रकार का है कि लोगों को पूरी तरह से नई सरकार से फ़ायदा नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में अगर मोदी जी अपनी नीति को, अपनी नीयत को बनाएंगे तो शायद देश का फायदा हो। क्या आप उनको आने वाला 5 साल भी उन्हीं को देना चाहते हैं? इसके बारे में तो निर्णय पूरी जनता करेगी ना। अब अपनी कुछ राय बताएं इस पे, किसकी सरकार आप चाह रहे हैं? भाई, देश की सरकार, हम तो सरकार उसी की चाहते हैं जो अमन अमान कायम रखे, सर्व समाज के लोगों का नफा फायदा पहुँचाए, हम तो ये चाहते हैं। किसी की सरकार हो, हमें उस सरकार से किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम तो अल्पसंख्यक मुस्लिम लोग हैं, हम सरकार बनाते आए हैं, सरकार में तो हमारा कोई हिस्सेदारी भी नहीं है, सरकार में हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं है। हम तो अमन और अमान की सरकार चाहते हैं, चाहे वो मोदी जी की सरकार हो, चाहे किसी की सरकार हो। मोदी जी हमारे देश के जो है तो प्रधानमंत्री भी हैं, और काशी महानगर के जो है तो संसद भी हैं, इस बात का हमें गौरव है। हम अपने संसद से और अपने प्रधानमंत्री से ये उम्मीद रखते हैं कि देश का विकास हो, और देश के 125 करोड़ लोगों का विकास हो, जो नारा आपने दिया था सबका साथ सबका विकास, वो पूरी तरह से ज़मीन पर कायम रहे, इसी बात की उम्मीद लेकर जो है तो सारे लोग यही आपसे उम्मीद रखते हैं। आपका नाम? जावेद अहमद। कहाँ के रहने वाले हैं? विशेषागंज। विशेषागंज। 2019 के लोकसभा चुनाव आप किसे चुन रहे हैं? जो सही कहेगा उसको चुना। हुआ है
किन कारणों से चौपट पड़ा हुआ? जीएसटी की वजह से। जीएसटी की वजह से आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और कोई खामियां जो आपको इस सरकार में नज़र आती हो? सरकारों में ये खामियां है कि बस हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करती है और कुछ नहीं करती, और कोई और ज़्यादातर उसकी राजनीति हिंदू मुस्लिम पे चलती है, और कोई और वो कुछ कर ही नहीं सकती। वो उसका एक ही मान है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और कोई और कुछ नहीं करना चाहते हैं। मतलब इनके राष्ट्र में रहने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? हमको दिक्कत क्यों होगा, हम भी भारतीय हैं, लेकिन जैसे आप सब पर सम्मान कर रहे हो, मुस्लिम पर भी सम्मान करो, मेरा मानना ये है। इनके राष्ट्र में आपको सम्मान में कुछ कमी नज़र आती है? आप लोगों को लगता है आप लोगों को कुछ नोटिस नहीं किया जा रहा है या फिर कम वेटेज दिया जा रहा है, ऐसा कुछ? बिल्कुल, मुसलमानों पर कोई नोटिस नहीं किया जा रहा, जितना ज़्यादा जोर दिया जा रहा है हिंदुओं पर, मुसलमानों पर नहीं दिया जा रहा, क्योंकि इनका मानना है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है।